तो स्टार्ट करते हैं आज कॉनिक सेक्शन के रिवीजन से, और उसमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबके कंबाइंड क्वेश्चन ले रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पैराबोला का है, एक्सिस ऑफ पैराबोला बताना है। ध्यान से पढ़ो सभी लोग, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसमें एक तरीका तो ये है कि परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लें, दूसरा एक और भी तरीका है, ध्यान सुन लो। अच्छा, अगर कभी भी पैराबोला होगा तो या तो एक्स में स्क्वायर का टर्म आएगा या वाई में स्क्वायर का टर्म आएगा। इट मीन्स जो पैराबोला एक्सपेंडेड फॉर्म का होगा वो या तो ऐसा होगा, या फिर वाई में क्वाड्रेटिक होगी, याद रहेगा। तो ये शॉर्टकट है, प्रॉपर मेथड से भी करके देख लेंगे इसको। तो या तो एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी या फिर वाई में क्वाड्रेटिक बनेगी, मतलब क्वाड्रेटिक टर्म या तो एक्स में आएगा या वाई में आएगा। तो अगर एक्स में आएगा तो इसका, इस फंक्शन का तुम डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लो और जीरो कर दो, सीधे एक्सिस आ जाए। मतलब वाई को कॉन्स्टेंट लेके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, सीधे एक्सिस आ जाएगी। डिफ्रेंशिएट करो उसको, टू ए एक्स प्लस बी, सी वाई का जीरो, डी का जीरो, बिकॉज पार्शियल डिफ्रेंशिएशन यूज कर रहे हैं। तो एक्सिस क्या आ गई, माइनस बी बाई ट्वाइस। और अगर वाई में टू डिग्री टर्म है तो डेल एफ बाई डेल वाई निकाल लो, टू पी वाई प्लस क्यू, आर एक्स का जीरो, एस का जीरो, बिकॉज हमने एक्स को कॉन्स्टेंट माना है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा है। तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई टू पी आ जाएगा। क्या इस बात पे एग्री हो सब लोग? ठीक है, तो आई थिंक इतना याद हो गया। या तो एक्स में क्वाड्रेटिक होगी या वाई में क्वाड्रेटिक होगी। अगर एक्स में क्वाड्रेटिक है तो डेल एफ बाई डेल एक्स, वाई में क्वाड्रेटिक है तो डेल एफ बाई डेल वाई। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक किस में, एक्स में, तो क्या निकाल लेना चाहिए मैं, डेल एफ बाय डेल एक्स। ऐसे भी लिख सकते, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा टू एक्स, माइनस थ्री वाई का क्या हो जाएगा जीरो, माइनस सिक्स एक्स का, माइनस सिक्स, सिक्स का जीरो। तो सीधे सीधे आंसर एक्स इज इक्वल टू थ्री आ रहा है। क्या एग्री हो सब लोग? एक्स इज इक्वल टू थ्री इज द एक्सिस, लेकिन ये शॉर्टकट एक्सिस के लिए ही है, क्लियर है। और अपना पुराना मेथड वो भी करके देख लेते हैं हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, उसमें भी कुछ खास नहीं है। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स है, माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स उधर ले जाओ। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, नाइन ऐड करना होगा, दोनों साइड नाइन ऐड कर दो, तो इधर ये थ्री आ गया, ये आ रहा है एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये थ्री टाइम्स वाई प्लस वन। हमें पता है वर्टेक्स कैसे आता है, ब्रैकेट को जीरो कर दें, इसको जीरो कर देंगे, एक्स की वैल्यू थ्री आ जाएगी, इसको जीरो कर देंगे, वाई की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। नंबर इसको प्लॉट कर लेते हैं, 3 कॉमा माइनस वन इज द वर्टेक्स, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बी वाई टाइप का पैराबोला, ये समथिंग पैराबोला ऐसा हो जाएगा 3 कॉमा माइनस वन। तो यही तो एक्सिस है इसकी, और ये लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, और एक्स इज इक्वल टू थ्री से पास कर रही, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू थ्री। क्या सारे स्टूडेंट एग्री करते हैं मेरी बात पे? तो डेल एफ बाई डेल एक्स भी लगा सकते हैं, उससे डायरेक्ट एक्स आ जाएगी, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस से वर्टेक्स निकाल लिया परफेक्ट स्क्वायर बना के, उसके बाद ये लाइन, दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और थ्री कॉमा माइनस वन से पास कर रहा है, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू थ्री इज द लाइन। कोई भी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होती है तो कैसी होती है, एक्स इज इक्वल टू ए, क्लियर है एवरीवन? आगे बढ़े, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। तो अगर याद हो
डेल्टा जो कि ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर होता था वो ज़ीरो नहीं होगा, और साथ में एच स्क्वायर माइनस ए बी ज़ीरो आएगा। क्या इस बात पे एग्री हो? पैराबोला के लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी ज़ीरो आएगा, एलिप्स के लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन ज़ीरो आएगा, और हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तब फ़ायदा हो सकता है जब लैम्डा की दो वैल्यूज़ मिले और एक रिजेक्ट करनी पड़े। तो पहले हम क्या करें, कंपेयर करा लो। इसको किससे कंपेयर कराओगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर डैश डैश डैश। हमें क्या चाहिए? ए चाहिए। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन क्या आ रहा है? लैम्डा। टू एच, टू एच क्या है? फोर। तो एच क्या हो जाएगा? टू। बी क्या हो जाएगा? वन। यहाँ पे रख दो एच स्क्वायर माइनस, तो सीधा सीधा लैम्डा की वैल्यू फोर आ रही है। हाँ भाई, चेक कर लिया सबने? तो फॉर पैराबोला एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो होता है। ठीक है एवरीवन, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे आएगा तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स हूज लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम सबको पता होना चाहिए। अच्छा, नहीं दे रखा है एलिप्स में तो हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं ए ग्रेटर देन बी है। लेटेस्ट रेक्टम टू बी स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस टू बी होती है, उसका हाफ करोगे तो बी आ जाएगा। तो यहां से क्या आ रहा है? टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। बी कैंसिल कर लो, ऑब्वियसली बी जीरो नहीं होगा, तो 2b इज इक्वल टू ए आ रहा है। और फॉर एलिप्स क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। तुम चाहो तो a की वैल्यू 2b रख दो, साथ में सॉल्व करते रहो सभी लोग। सो 1 माइनस ई स्क्वायर इज 1 बाई फोर, सो ई स्क्वायर इज 3 बाई फोर, सो e इज रूट 3 बाई। तो आई होप ये सारे फॉर्मूले याद होंगे। लेटेस्ट रेक्टम का ये फॉर्मूला है, सेमी माइनर एक्सिस बी होती है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स वन माइनस ई स्क्वायर होता है फॉर एलिप्स व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, और नहीं मेंशनड है तो ए ग्रेटर देन बी लेकर के ही चले। क्लियर है? और इवन तुम इसमें ए लेस देन बी भी ले लेते तो फॉर्मूला भी रिवर्स हो जाता, माइनर एक्सिस भी टू ए हो जाती, तो भी आंसर वही आता भाई। क्लियर है एवरीवन? हाँ भाई, समझ में आ रहा है सबको? ये क्वेश्चन तो आई थिंक कई बार कर चुके हैं हम लोग। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, लैम्डा इज अ वेरिएबल, लैम्डा पैरामीटर है, लैम्डा आर्बिट्री कांस्टेंट है, और लोकस में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे क्या करते हैं? फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एंड इट इज एन हाइप, इट इज अ हाइपरबोल। सिंपल, चेक कर लो एवरीवन। हाँ भाई, कंप्लीट करो फटाफट, साथ में करते चलो, सिर्फ देखने से बेनिफिट नहीं होगा, करना पड़ेगा साथ। ठीक है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो। ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन इवन तीन बार आ चुका है क्वेश्चन एमसीक्यू। द फोकाई ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला कौन साइड, मतलब कौन फोकल है, दोनों के फोकस सेम है तो गिवन नंबर्स कहाँ पे हैं? हाइपरबोला में, हाइपरबोला में सारी चीजें गिवन है। एलिप्स में बी स्क्वायर अननोन है, तो यहां से तुम क्या निकालोगे? फोकाई। क्या रिलेशन होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस वन। ये रिलेशन होता है हाइपरबोला में। तो ई स्क्वायर अगर तुम निकालते हो तो यहां से आ जाएगा वन प्लस
बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर 81 बाय 25, 25, 25 कैंसिल हो जाएगा 144। हाँ भाई साथ में ही करते चलो एवरीवन, तो क्या आ जाएगा 225 बाय 144। तो एसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी अंडर रूट ले लो 15 बाय 12, ऐसा आ रहा है सबका, कैलकुलेट कर लिया ना, क्या हो जाएगा ये 5/4। तो हमें हाइपरबोला की सेंसिटिविटी मिल गई, हाइपरबोला का ए पता है हमें, ए क्या है 12/5, तो क्या फोकस आ जाएगा ए कॉमा जीरो, व्हाट इज ए 12/5, व्हाट इज ई 5/4 कॉमा जीरो, तो ये क्या बन जाएगा 3/0, दिस इज 3, तो 3/0 हाइपरबोला का फोकस है, तो 3/0 हमारे एलिप्स का भी फोकस होगा, एलिप्स का भी फोकस ए कॉमा जीरो ही आता है, क्यों भाई एलिप्स का फोकस क्या आता है ए कॉमा जीरो, इसका ए क्या है 4, तो एलिप्स का फोकस ए कॉमा जीरो मतलब 4/0, और 4e क्या मिल रहा है तुम्हें 3, तो 4e की जगह 3 रख दो, तो e आ जाएगा 3/4, और ये e एसेंट्रिसिटी है एलिप्स की, e किसकी एसेंट्रिसिटी है एलिप्स की, क्या इस बात पे एग्री हो एलिप्स की एसेंट्रिसिटी है e। एलिप्स के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - e स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर निकालना ही, ए स्क्वायर 16 दे रखा है, ई स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/16, आई थिंक ये 7 आ रहा है, बी स्क्वायर 7, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है एनएमसेट में, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, बस थोड़ा सा डिफरेंस था, यहाँ पे शायद 125 था, एक नंबर का डिफरेंस था, लेकिन कंसेप्ट वही लगेगा, तो नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आया तो हम लोग कर सकते हैं एवरीवन, ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, तो एक्सपैंडेड फॉर्म है पैराबोला का, इसको उधर ले जाओ के एक्स माइनस एट, प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए के कॉमन ले लो, फोर ए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है निम्सेट में, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ध्यान से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ब्रैकेट जीरो कर लो, ब्रैकेट जीरो कर लो वर्टेक्स आ जाता है, इसको जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू 8/k, और इसको जीरो करोगे तो वाई की वैल्यू जीरो, सिंपली ऐसे ही बना लेते हैं। ये 8/k कॉमा जीरो आ रहा है, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स कितने डिस्टेंस पीछे होती है, ए डिस्टेंस पीछे, तो ये जो पॉइंट होगा 8/k से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें ए, व्हाट इज ए, अगर देखो तो ए ये है, दिस इज ए, के बाई फोर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स आ जाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और डायरेक्ट्रिक्स दे क्या रखी है एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 के इक्वल कर लो, तो क्लियरली हमें दिख रहा है के इज इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू 4 रख दो यहाँ, सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ भाई चेक कर लो, या तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, के इज इक्वल टू 4 सिंपली इसको सेटिस्फाई करेगा, चेक कर लो एवरी वन, ठीक है, तो यहां पे भी वही शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया सबने, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, तो यहां पे तो फॉर्म बना ही रखा है, साथ में करते चलो 4 ए
वाई की जगह वाई माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू, ब्रैकेट जीरो कर लो तो वर्टेक्स आ जाता है, क्या आता है माइनस टू कॉमा वन। ए क्या है इसका वन बाई टू, करो माइनस टू कॉमा वन इसका हो गया, वर्टेक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स के फॉर्म का है, समथिंग पैराबोला ऐसा बन जाए। अच्छा इसका फोकस निकालना है तो फोकस होगा ए डिस्टेंस, ए क्या है हाफ, हाफ डिस्टेंस आगे, माइनस टू में हाफ जोड़ दो तो माइनस थ्री बाई टू कॉमा वन, फोकस ये आ गया। और हमें पता होना चाहिए हाइपरबोला पैराबोला में लेटेस्ट एक्टम एल एल डैश क्या होता था, ए कॉमा टू ए एंड ए कॉमा माइनस टू ए, ओके ये एल एल डैश होता है। तो टू ए डिस्टेंस ऊपर, टू ए डिस्टेंस ऊपर चले जाते हैं और टू ए डिस्टेंस नीचे आ जाते हैं, ये लेटेस्ट एक्टम के एंड पॉइंट मिल जाएंगे। एल एल डैश आराम से करो, देखो टू ए क्या आ जाएगा वन, तो माइनस थ्री बाई टू कॉमा वन से वन डिस्टेंस ऊपर जाओगे तो माइनस थ्री बाई टू कॉमा टू, और वन डिस्टेंस नीचे जाओगे तो माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो, ये एल एल डैश लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट आ गए। आई थिंक यहाँ पे जो आंसर मैच कर रहा है एक पॉइंट दे रखा है, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, एवरीवन जवाब दो। हाँ भाई ठीक है, नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड, तो फोकल कॉर्ड का एक रिलेशन है सबने पढ़ा होगा, पी क्यू अगर फोकल कॉर्ड है, ये पॉइंट टी वन है, टी वन का मतलब ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन, और क्यू पॉइंट टी टू है, टी टू का मतलब ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू, ये फोकस से पास करे तो फोकल कॉर्ड हो जाएगी, तो टी वन टी टू का प्रोडक्ट माइनस वन आता है, टी वन टी टू का प्रोडक्ट क्या आता है माइनस वन, क्लियर। तो फोकल कॉर्ड के लिए ये रिजल्ट याद होगा, नहीं याद है तो अभी याद कर लो। पैराबोला अगर देखो तो उसका ए क्लियरली दिख रहा है, ए क्या दिख रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स से कंपेयर कराओ, सो इट्स ए इज वन, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा टी वन स्क्वायर कॉमा टू टी वन आ जाएगा, एंड दिस इज गिवेन टू बी, क्या गिवेन है ये वन कॉमा टू, तो मेरे ख्याल से अगर सीधा सीधा कंपेयर कर लो टी वन की वैल्यू क्या वन आ रही है, हाँ भाई जवाब दो सभी लोग, क्या टी वन की वैल्यू वन आ रही है, टी वन की वैल्यू वन आ रही है, तो यहां टी वन की वैल्यू वन रख दो तो टी टू की वैल्यू माइनस वन आ रही है, ये पॉइंट हो जाएगा ए को वन रख, टी टू को माइनस वन रखो तो वन कॉमा माइनस टू, वन कॉमा माइनस टू, सिंपल। अदर एंड बताना था तो यहां पे टी टू की वैल्यू माइनस वन रख दी, क्या एग्री हो सब लोग, वन कॉमा माइनस टू इट मींस सेकेंड इज द आंसर, सिंपल क्लियर। एक्सपेक्ट कर सकते हो दो से तीन, तीन क्वेश्चन यूजुअली आ जाते हैं कॉनिक सेक्शन से, दो तो मान के चलो आने ही है, तीन भी आ सकते हैं, और इसीलिए एक एक लेक्चर और बढ़ा दिया है, मंडे को भी इसका रिवीजन करेंगे हम लोग कॉनिक सेक्शन का, उसके बाद सेट थ्योरी फिर कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगी। इफ दिस लाइन इज टचेस द हाइपरबोला, तो इसका मतलब पॉइंट बताना है, पॉइंट क्या होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट,
तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए हमेशा ये करते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एज्यूम कर लेते हैं एक्स वन वाई वन, और एक्स वन वाई वन पे क्या हाइपरबोला पे टेंजेंट बना सकते हैं हम लोग? क्या आएगी, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस कर दो, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, और ये टेंजेंट दे रखी फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, क्लियर? टेंजेंट हमने निकाल भी लिया और टेंजेंट दे भी रखी है, तो ये दोनों लाइन सेम लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई, और कोइंसिडेंट लाइन के लिए करते क्या है, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू वाई के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म का रेशियो, बराबर आता है, माइनस माइन ये कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा, तो देखो एक्स वन आ रहा है तुम्हारा फाइव और y1 आ रहा है तुम्हारा माइनस ट्वेल्व बाई नाइन, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, फाइव कॉमा माइनस ट्वेल्व बाई नाइन, ये क्या हो जाएगा, ट्वेल्व बाई नाइन कैंसिल कर सकते हो, फोर बाई थ्री, सेकेंड इज द आंसर, चेक कर लो एवरीवन। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है तो हमेशा ही ये तरीका होता है, एक्स वन वाई वन पे कोई भी कर्व दे रखा हो उस पर टेंजेंट निकाल लो, और टेंजेंट निकालने का क्या तरीका होता है, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करते हैं, और फिर गिवन टेंजेंट से कंपेयर करा देंगे, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, एक्स वन वाई वन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हाँ भाई इसको ध्यान से देखो, वर्सेज ऑफ हाइपरबोला, वर्सेज मतलब ए डैश, हाइपरबोला ऐसा होता है ना, ए डैश बताना है, तो उसके लिए हमें सेंटर निकालना होगा, क्या निकालना होगा, सेंटर। अच्छा हाइपरबोला इज अ सेंट्रल कॉनिक, तो सेंटर निकाल सकते हो, डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई दोनों करना होगा और दोनों को सॉल्व करना होगा, तो लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत कम टाइम लगेगा, तो बेटर ये रहेगा कि हम अपने प्रॉपर मेथड से ही सॉल्व करें, इनसे नाइन कॉमन ले लो, इससे 16 कॉमन लो, 96/16 इज इक्वल टू 252 कर लो, यहां पे हमें ऐड करना पड़ेगा 4 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और यहां ऐड करना पड़ेगा 3 है तो 9, कितना एडिशनली ऐड करा, 9 इंटू 4 36 ऐड करा है, तो इधर भी 36 ऐड कर लो, 16 इंटू 9 माइनस 144 इधर करा है तो माइनस 144 इधर भी कर लो, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144, डिवाइड कर लो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 144 डिवाइड बाई 9 16, 144 डिवाइड बाई 16 9, कितना नोट करो, तो अगर कंपेयर कराओ तो यहां पे ए क्या आ रहा है, ए आ रहा है 4, अच्छा सेंटर क्या आएगा, ब्रैकेट को जीरो कर दें 2,3 सेंटर आ जाएगा, सेंटर आ गया 2,3, तो सेंटर से ए डिस्टेंस आगे और ए डिस्टेंस पीछे जाना होता है, ए कितना है 4, तो 4 डिस्टेंस आगे जाओ, ये क्या बन जाएगा 6,3, और 4 डिस्टेंस पीछे जाओ क्या बन जाएगा, देखो ऐसा कोई आंसर है, सेकेंड इज द आंसर, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, हाँ भाई बोलो, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है यहाँ तक बात, कंप्लीट कर लो उस क्वेश्चन को। तो अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया तो हम कर सकते हैं, ऐसे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कॉनिक सेक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट है, इट मींस ये एलिप्स है, क्या है, एलिप्स है, इसकी एसेंट्रिसिटी बतानी, तो एक तरीका तो वही है, परफेक्ट स्क्वायर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा के ए और बी निकाल लें,
दूसरा तरीका ध्यान सुन लो क्या होता है। एलिप्स में हमेशा जो इक्वेशन आएगी वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में आएगी, एक्स वाई टर्म नहीं होना चाहिए, रोटेटेड नहीं होना चाहिए। वाई टर्म आ गया तो रोटेटेड हो जाएगा, तब वो बहुत लेंथी होगा, छोड़ने लायक क्वेश्चन होगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट होता है इस तरह की एलिप्स की सेंट्रिसिटी, तुम्हें देखना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है ए और बी में से, ए और बी में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे देख रहे हो तो ए आ रहा है 1, बी आ रहा है 2, क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बी बड़ा है ए छोटा है, बी बड़ा है ए छोटा है। तो सिंपली अंडर रूट लो 1 माइनस, याद कर लो अभी इमीडिएटली, जो छोटा है ऊपर लिखो, जो बड़ा है नीचे लिखो। आ गया, याद हुआ? तो बड़ा है वो नीचे आएगा, क्योंकि बड़ा ऊपर आ जाएगा ये फिर इमेजिनरी हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? 1 से बड़ा आ जाएगा, याद हुआ सबको? जो बड़ा नंबर है वो नीचे आएगा, अंडर रूट 1 माइनस छोटा नंबर अपॉन बड़ा नंबर। हाँ भाई, क्लियर है सबको? जवाब दो, 1 माइनस एवरीवन, याद रहेगा? तो एलिप्स, लेकिन ये सब ट्रिक्स बड़ी स्पेसिफिक हैं, अब ये ना हो कि इसको तुम हाइपरबोला में लगाओ। ठीक है, एलिप्स के लिए है ये, याद रहेगा? क्योंकि हाइपरबोला में लगाओगे तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगाओ, ये 1 से छोटा आ जाएगा, हाइपरबोला के लिए ट्रिक नहीं है, एलिप्स के लिए ट्रिक है। अदरवाइज हमें पता है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया तो सिंप्लिसिटी आ जाएगी। एग्रीड एवरीवन? आगे बढ़े। हाँ भाई, हो गया ना ये क्वेश्चन 11th। 12 देखो, इफ दिस लाइन टचेस दिस कर्व, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो एक ही कंसेप्ट लगाओ। यहां से y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लो, अगर ये इसकी टैंजेंट है रख दो, और अगर टैंजेंट है तो रखने पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है? 0। टैंजेंसी का केस यही तो होता है। -2x b स्क्वायर -4ac 0, 4 माइनस 4 के 0, मतलब k की वैल्यू 1 आ रही है। एवरीवन, ठीक है, चेक कर लो। तो अगर इस तरह की लीनियर इक्वेशन दे रखी है, कोई अननोन ज़्यादा नहीं है, तो सिंपल क्या लगाना है? टेंजेंट से y की वैल्यू x के टर्म में या x की वैल्यू y के टर्म में निकाल के कर्व पे रख दो, और टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है? डी इज इक्वल टू 0, सिंपल सी। क्लियर है? सो इट्स आंसर इज 1। हाँ भाई, यार उससे कोई फायदा नहीं होगा, सिंपल सा मेथड हम बता रहे हैं, और ये मेथड कई बार कर भी चुके हैं हम लोग क्लास में। टेंजेंसी कंडीशन क्या होती है? डी इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू x के टर्म में रख के x में क्वाड्रेटिक बना लिया और उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर लिया, सीधे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच दिस लाइन टचेस द y एक्सिस, तो ये फॉर्मूला ही पता है होता है हम लोगों को। अगर एलिप्स है x स्क्वायर / a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर / b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो इट इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो एलिप्स में हर स्लोप की टैंजेंट आएगी, कोई ऐसा स्लोप नहीं होगा जिसकी टैंजेंट ना हो। एम की जितनी वैल्यूज होंगी सबके लिए कोई ना कोई टैंजेंट मिलेगी, क्या मेरी बात पे एग्री हो?
तो मतलब m से फर्क नहीं पड़ता कि m क्या है, m कुछ भी रख दो, जो मन में आए वो रख दो, c अकॉर्डिंगली एडजस्ट होना चाहिए बस। c की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आनी चाहिए। तो दो वैल्यूज m की किसी भी वैल्यू रियल वैल्यू के लिए c की हमेशा दो ही वैल्यू आएंगी, और ये चीज पैराबोला सॉरी हाइपरबोला एलिप्स दोनों में एप्लीकेबल है। हाइपरबोला में क्या हो जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। क्लियर एवरीवन? तो सी की दो वैल्यू आ रही है प्लस और माइनस में। आगे बढ़े, कंप्लीट कर लो उस क्वेश्चन को, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स विद सेंटर ओरिजिन पे है, एसेंट्रिसिटी हाफ है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। तो ठीक है, सेंटर ओरिजिन पे है, सारे इक्वेशंस तुम्हारे स्टैंडर्ड ही हैं, डायरेक्ट्रिक्स क्या दे रखी, डायरेक्ट्रिक्स होती कैसे, ए बाई ए ई होती है, दैट इज फोर, ई क्या है वन बाई टू, तो ट्वाइस ए इज इक्वल टू फोर, मतलब ए इज इक्वल टू टू, ए टू है, ए अगर टू पता है तो हम क्या बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। एलिप्स के लिए फॉर्मूला ये होता है, ए इज टू, आई थिंक बी स्क्वायर थ्री आ गया, चेक कर लो, ए स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर आ गया, तो एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है टू मतलब फोर, बी स्क्वायर क्या है थ्री, ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर लो तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेल्व, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेल्व, चेक कर लो एवरीवन। हाँ भाई सभी लोग चेक कर लो, सिंपल बेसिक क्वेश्चन। हो गया सबका सॉल्व, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए जीरो नहीं है, दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स, ये दोनों ही पैराबोला है, साथ में सॉल्व करो। क्लियरली दिख रहा है ये दो जो पैराबोला है इसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्लियरली जीरो जीरो तो आएगा ही आएगा, दूसरा निकालना पड़ेगा हम, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो वाई स्क्वायर बाय फोर ए और उठा के यहां रख देते, ये y की पावर 4, ये क्या हो जाएगा 16 a स्क्वायर 64 a क्यूब y, y 0 ऑलरेडी आ चुका है तो y क्यूब इज इक्वल टू 64 a क्यूब मतलब y इज इक्वल टू 4 a और y इज इक्वल टू 4 a, यहां पे रख दोगे तो x भी 4 a ही आ जाएगा, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो तुम्हारा 0 0 आ रहा है करके देखो खुद, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4a, 4a आ रहा है, चेक कर लो एवरीवन। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 0 और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4a, 4a, एक ये जो दो पॉइंट है उनसे ये लाइन पास कर रही है, तो ठीक है पहले तो 0, 0 सेटिस्फाई करा दो, 0, 0 सेटिस्फाई करोगे x को 0 y को 0 तो क्या d 0 आ जाएगा बोलो, और फिर 4a, 4a d 0 रख दो, d 0 रखा यहाँ पे, अगर तुम d 0 रख रहे हो तो ये क्या बच रहा है 2bx plus 3cy, 4a, 4a रख दो तो ऑब्वियसली 4a, 4a दोनों सेम रख रहे हो तो कैंसिल ही हो जाएगा, 4a, 4a तो कॉमन आ जाएगा, a ऑब्वियसली 0 नहीं हो सकता,
पूरे कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो, तो 2b प्लस 3c जीरो आ रहा है। क्या एग्री हो? ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो, 2a, 2b प्लस 3c भी जीरो। और अगर दोनों जीरो हैं तो मेरे ख्याल से दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो तो भी तो जीरो आएगा। चेक कर लो, d भी जीरो है, 2b प्लस 3c भी जीरो है, तो स्क्वायर करके ऐड करने पे क्या ये जीरो आ रहा है? एवरीवन चेक कर लो, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हैंडल कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कर लिया सबने। इन एन एलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन फोकाए, याद है डिस्टेंस बिटवीन फोकाए, ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो, डिस्टेंस बिटवीन फोकाए क्या होता है? ट्वाइस ए, एंड दैट इज गिवेन टू बी 6। माइनर एक्सिस क्या होती है? माइनर एक्सिस 2b होती है, 2b दे रखा है 8, ए मिल गया 3, साथ में करते रहो, बी आ रहा है 4। इसेंट्रिसिटी एलिप्स की क्या होती है? इस तरह से, तो बी स्क्वायर हो गया, इसेंट्रिसिटी निकालनी, चलो ठीक है, बी स्क्वायर हो गया 16, ए स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 9, तो ए स्क्वायर मिल गया, स्क्वायर क्या आ रहा है 25, तो अब निकाल लोगे, मतलब ए आ गया 5, और ए अगर 5 आ गया तो 5 ई है 3, तो ई क्या हो जाएगा 3/5। चेक कर लो एवरीवन, ई इज 3/5, फोर्थ इज द आंसर। चेक किया सबने, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। सिंपल से क्वेश्चन, ठीक, आगे बढ़े। हाँ भाई, सबने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस लाइन इज टैंजेंट टू हाइपरबोला। अच्छा, हाइपरबोला की टैंजेंट अगर याद करो इन टर्म्स ऑफ स्लोप, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। अच्छा, m ही दे रखा है, ये जो c है, c की जगह क्या दे रखा है? 6। तो c विच इज 6 इज इक्वल एन टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर 100, एम स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या आ रहा है? ए स्क्वायर रख दिया, m की वैल्यू m है, बी स्क्वायर कितना आ रहा है? 49। इन दोनों का स्क्वायर कर लो, हंड्रेड एम स्क्वायर निकाल लो, देखो कितना आता है, 100 एम स्क्वायर 85, क्यों 85, सो एम स्क्वायर विल बी 85/100, 5 से डिवाइड हो जाएगा 17/20 आई थी, तो m इज प्लस माइनस रूट 70/20, प्लस माइनस की जगह एक ही स्लोप दे रखा है प्लस, सो फर्स्ट इज द आंसर। तो सीधा सीधा हमने टेंजेंट की क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ स्लोप से कंपेयर कर लिया। क्लियर है एवरीवन? चेक कर लो सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉमन टैंजेंट। जैसा कि मैंने बताया था, कॉमन टैंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनिमसिट पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉमन टैंजेंट हाइपरबोला का और सर्कल का, तो कोनिक का और सर्कल का क्या होता है? कोनिक की टैंजेंट लिख लेते हैं और सर्कल के सेंटर से
परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, रेडियस के बराबर कर लेते हैं, इसका रेडियस क्या आ रहा है 3, सेंटर क्या है 0। इस हाइपरबोला को प्रॉपरली लिखो। अच्छा, हाइपरबोला में तुम्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप भी पता होती है और इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट bx sec थीटा माइनस ay tan थीटा माइनस ab यही पता होती है, लेकिन जब भी कैलकुलेशन हो एक्सेप्ट लोकस का क्वेश्चन, लोकस के क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आएगी कि टेंजेंट के थीटा के टर्म में, बिकॉज थीटा का एलिमिनेशन ज्यादा आसान होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। अदरवाइज हम कोशिश ये करेंगे कि जो टेंजेंट ले वो इन टर्म्स ऑफ स्लोप ले, प्लस माइनस होता है लेकिन प्लस साइन ही। कई बार ऐसा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में फंस के रह जाओगे, आता हुआ क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे रख लो वैल्यू mx, साथ में करो माइनस y प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर क्या आ रहा है 16, एम स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आ रहा है 9 इक्वल टू 0। टेंजेंट आ गई, ये टेंजेंट है हाइपरबोला की और ये टेंजेंट सर्किल की कब होगी, जब सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, किसके बराबर आ जाए रेडियस के बराबर, सेंटर है 0,0, 0,0 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, तो रेडियस क्या है 3। सो 3 इज इक्वल टू क्या करते हैं 0,0 रख देते हैं प्लस अंडर रूट 16 एम स्क्वायर माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशन का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशन का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायरिंग कर लो, साथ में करो सभी लोग, ये 18 आ जाएगा, ये क्या आएगा 16 माइनस 9 9 into 2, m आ जाएगा प्लस माइनस 3 √2/7, m आ चुका है हमारा, हाँ भाई m आ चुका है, हमें कॉमन टेंजेंट बतानी, तो टेंजेंट तो ऑलरेडी ये है ना, यहाँ m की वैल्यू रखो जरा एवरीवन, यहाँ पे m की वैल्यू ये उठा के रखो, यहाँ पे m की वैल्यू सभी लोग रख के देखो एक बार, y is equal to m, m is plus minus 3 root 2/7 plus, plus minus भी कर सकते थे, under root a square 16 m square क्या था, m square 18/7 था, माइनस बी स्क्वायर 9। हाँ ठीक है, ऑलरेडी मैच कर रहा है तुम्हारा सेकेंड ऑप्शन, लेकिन नन ऑफ दीज भी दे रखा है, तो एक बार कंफर्म करना जरूरी है, ठीक है, तो इसको जरा कैलकुलेट करके देख लो, क्या रहे 15/√7, सभी लोग कैलकुलेट करके देखो क्या ये आंसर आ रहा है, सेकेंड इज द आंसर, चेक करा सबने एवरीवन, हाँ भाई सभी लोग देख चेक कर लिया, स्क्रीन विजिबल है ना सबको, स्क्रीन
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। टू परपेंडिकुलर टैंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सर्कल। क्या बोलते हैं? एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टू परपेंडिकुलर टैंजेंट्स ड्रॉन टू द एलिप्स इंटरसेक्ट ऑन द कर्व। सीधा सीधा याद रखना है डायरेक्टर सर्कल विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? 25। बी स्क्वायर क्या है? 16। सो दैट इज 41। क्लियर है? और हाइपरबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पैराबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स ही डायरेक्टर सर्कल की तरह से बिहेव करती है पैराबोला। तो सेम क्वेश्चन एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला तीनों में बन सकता है। तो एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपरबोला का ठीक है, क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े। दिस लाइन इज द नॉर्मल टू पैराबोला। देखो टैंजेंट नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग काफी मतलब हो सकता है आज से दो महीने बाद तुम पैराबोला भूल जाओ, लेकिन ये कभी नहीं भूल सकते कि dy by dx इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो सबसे सेफेस्ट मेथड है, हम पैराबोला के नॉर्मल निकाल के भी कंपेयर करा सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे इसका स्लोप देखो क्या आ रहा है। स्लोप -1 आ रहा है। पॉइंट बताना है, पॉइंट मान लेते हैं अल्फा बीटा पॉइंट। तो अल्फा बीटा पे नॉर्मल बताना है, तो अल्फा बीटा पैराबोला पे भी होना चाहिए एज वेल एज नॉर्मल पे भी होना चाहिए। तो पहले तो बड़ा सिंपल है, लीनियर इक्वेशन में जितना काम चल जाए उतना चला लो, अल्फा बीटा लाई करा दो नॉर्मल पे। और dy by dx का कॉन्सेप्ट हमें सिंपल पता है, कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं 2y dy by dx इज इक्वल टू 8। सो dy by dx इज इक्वल टू 4 by y। तो ये तो होता है dy by dx स्लोप ऑफ टैन। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है सभी को पता है, रेसिप्रोकल कर देते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। और स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें बताना कहाँ है? अल्फा बीटा वाई, वाई की जगह क्या रखोगे? बीटा। माइनस बीटा बाई 4। और नॉर्मल का स्लोप दे कितना रखा है? इससे कंपेयर कराओ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से -1। तो क्या बीटा 4 आ गया? एग्रीड एवरीवन। और बीटा 4 यहां रख दो तो क्या अल्फा 2 आ गया? तो 2.4 इज द आंसर, 2.4 is the answer. Third is the answer. Clear? ठीक है भाई। Everyone, clear है? तो its answer is third. Simple है। तो next time पे आएगा। तो कई बार ऐसा होता है पैराबोला के नॉर्मल की क्वेश्चन भूल जाते हैं लोग, वैसे y = mx - 2ym - am क्यूब होती है, वहां से भी कर सकते थे, लेकिन ये dy / dx वाला कांसेप्ट यूनिवर्सल है। ठीक है, dy / dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट और माइनस टाइम्स उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट गिवन पॉइंट। और वो पॉइंट जरूरी है कि कर्व पे ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, मतलब हाइपरबोला। इस पॉइंट पे टैंजेंट बतानी है तो तुम्हें पता है कॉन्सेप्ट, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई वाई वन से, एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, वाई को रिप्लेस करते हैं वाई प्लस वाई वन बाई टू से। और अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप में अगर एक्स वाई आ गया तो एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई डिवाइड बाई टू से। लेकिन उसके लिए जरूरी है ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करे। जब लाई करा के देखो क्या ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है, करके देखोगे तो लाई कर रहा है। 2.1 रख के देख लो, सेटिस्फाई कर रहा है।
तो सिंपली करना क्या है टेंजेंट के लिए, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू से, प्लस 11 इक्वल टू जीरो। एक्स वन क्या हुआ 2, वाई वन क्या हुआ 1, एक्स वन 2, वाई वन 1, प्लस 11। पूरा सॉल्व कर डालो फटाफट, टेंजेंट आ जाएगी, करके देखो सभी लोग, एवरीवन। एक्स इज इक्वल टू, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, चेक करो एवरीवन, क्या ऐसा सबका आंसर आ रहा है? आ रहा है? आगे बढ़े, सबने कर लिया क्वेश्चन? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये पॉइंट रख के चेक करना जरूरी है कर्व पे, ठीक। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला। अच्छा, स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं, अगर स्टैंडर्ड पैराबोला होता, जो याद करी हुई इक्वेशन है उसकी हेल्प ले लेते हैं। y is equal to mx plus a by m, याद है पैराबोला की टेंजेंट क्या होती है, y is equal to mx plus a by m। स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है तो फिर सीधा सीधा सा ए लाइन पैरेलल टू दिस, तो यार अगर कोई भी लाइन इसके पैरेलल है तो क्या सिर्फ वो कांस्टेंट से रेफर करती है, और ये लाइन इसकी टेंजेंट, तो वही यूनिवर्सल कांसेप्ट लगाओ, y की वैल्यू x के टर्म में उठा के रख दो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दो, y की वैल्यू x के टर्म में रख देते हैं और डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देते हैं, करो जरा सभी लोग एवरीवन। हाँ भाई चेक करो, ये क्वाड्रेटिक सही बनी है, ठीक है ना। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी जीरो कर दो, ये 16, ये के माइनस 1 का स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के, 16 16 कैंसिल हो जाएगा और इधर आ रहा है माइनस, या आ रहा है माइनस 2 के प्लस 6, तो क्या के की वैल्यू 3 आ रही है सबकी, के इज इक्वल टू 3, सिंपल। तो के को 3 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 3, सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, दिस इज द आंसर। तो आई थिंक ये मेथड कभी नहीं भूलो, क्लियर है एवरीवन? हाँ भाई ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल, और हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई थिंक थर्ड इज द आंसर, क्या इसका आंसर थर्ड है, सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट देखें, एक्स इज इक्वल टू 9 इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू हाइपरबोला, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मिड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, COC, क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज COC, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन सबको पता होनी चाहिए, t इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू 0 कैसे आता है, x स्क्वायर को x x1 से प्लेस करते हैं, y स्क्वायर को y y1 से, x को x plus x1 by 2 से, y को y plus y1 by 2 से, तो ये पॉइंट मान लेते हैं x1 y1,
ये पॉइंट एक्स वन वाई वन है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम अपनी निकाल लेते हैं। कैसे आएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से प्लेस करो, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, ठीक। फिर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दे भी रखी, सीधा सीधा कंपेयर कर लो, सीधा सीधा देख लो, तो ये पॉइंट एक्स वन की वैल्यू क्या आ रही है? वन। और वाई वन की जगह वाई टर्म नहीं है, इसका मतलब वाई वन क्या है? जीरो। तो पॉइंट मिल गया हमें 1, 0। इतना चेक करो एवरीवन, इसमें अगर कोई डाउट है तो बोलो। 1, 0 इज द पॉइंट। और यहां से हमें पेयर ऑफ टैंजेंट बतानी है, और 2 डिग्री इक्वेशन दे रखी है, 2 डिग्री इक्वेशन दे रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा सीधा तुम एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर लगो। पेयर ऑफ टैंजेंट आई होप सबको पता होना चाहिए क्या होता है, t. ऑलरेडी पता है हमें, क्यों भाई? यही तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, यही तो टी होता है, दोबारा निकालने की क्या जरूरत है? टी मतलब एक्स माइनस नाइन का होल स्क्वायर, टी इज इक्वल टू जीरो ही तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। या तुम चाहो तो फिर से वैल्यू रखो और एक्स वन को वन और वाई वन को जीरो रखोगे, फिर से एक्स माइनस नाइन आएगा। अब सॉल्व कर डालो जरा एवरी वन, सब लोग सॉल्व करो। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस एट वाई स्क्वायर माइनस 18x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा ये? 8, 9। दिस इज पेयर ऑफ टैंजेंट, 9x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9। ये पेयर ऑफ टैंजेंट, क्लियर है? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ई एंड ई डैश। अच्छा ये पता होना चाहिए, दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इनकी इसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी रूट टू आती है। क्या ये बात सबको याद है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या आती है? रूट टू। रूट टू इसकी भी सेंडिसिटी, रूट टू इसकी भी सेंडिसिटी, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? सिंपली तो ये पॉइंट याद रखना कि सेंडिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज रूट टू। ये चीज थ्योरी में करी थी हम लोगों ने, तो दोनों का स्क्वायर करने पे आंसर क्या आ रहा है? 4। सिंपल। तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं बहुत ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला। पैराबोला स्टैंडर्ड है, ठीक है। From the point 4, 10, जरा 4, 10 रख के देखोगे तो मेरे ख्याल से आउटसाइड लाई करेगा। यहाँ 10 रखो, 100, ये 36, 100 माइनस 36, 64, पॉजिटिव आ रहा है, तो 4, 10 आउटसाइड लाई करेगा। अगर आउटसाइड लाई कर रहा है तो उससे पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, और वो होती क्या है? एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये भी लगा सकते हो, लेकिन कई बार इसमें हम फंस जाते हैं, तो ध्यान सुन लो क्या मेथड ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बनेगी, उसमें फिर इक्वेशन इंडिविजुअल निकालनी होगी, ठीक है? ध्यान से देखो, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप आती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय। यहां से जरा देखो, वाई स्क्वायर 4a x, a क्या हो गया? 9/4, ठीक। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है,
एक आउटसाइड पॉइंट से दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो, एक इक्वेशन को तुम ये एज्यूम कर लो, एक इक्वेशन ये एज्यूम कर लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और उसको पास करा दो किससे, 4, 10 से, ये 10, ये 4, ठीक 16m² माइनस 40m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जरा इसको फैक्टराइज करो सभी लोग, 36 और 4 से हो जाएगा, 36 और 4 से m की वैल्यू निकालो, 1/4, ठीक है, m की वैल्यू आ गई, इक्वेशन ऑलरेडी हमें पता है, एक बार m को 1/4 रखो तब आंसर निकालो, तो क्या आ रहा है, x माइनस 4y प्लस 36 इज इक्वल टू 0, क्या कोई मैच कर रहा है, सेकेंड मैच कर रहा है, और 9/4 भी रख लो, 9/4 भी रख लो, यहां पे m की जगह 9/4 रखो, तो 9/4x, आई थिंक ये 1 आएगा, तो आ जाएगा 9x माइनस 4y, 9x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्लियर है, तो ये मैच कर रहा है, तो ये बेटर मेथड होता है, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर लगा के भी देख, उसमें एक्स में या वाई में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इवन एक्स और वाई दोनों में क्वाड्रेटिक बनेगी, उससे इंडिविजुअली फैक्टराइज करके हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा, मतलब दोनों इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइन निकालनी पड़ेगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, एवरीवन, ठीक है, नेक्स्ट देखें, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम ए क्या है, 1, एल एल डैश क्या होता है, ए कॉमा ट्वाइस ए, लेटेस्ट रेक्टम पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ए कॉमा ट्वाइस ए, और ये दोनों ही पॉइंट लाई कर रहे हैं किस पे, पैराबोला पे, पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, तो सीधा सीधा क्या एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू से टैंजेंट निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे आएगा, वाई वाई वन 2 टाइम्स x प्लस एक्स वन, एक्स को x प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x1 की जगह x1 y1 की जगह एक बार 1, 1, 2 लिखो, तो ये 2y 2 टाइम्स x प्लस वन, तो ये आ रहा है x प्लस वन इज इक्वल टू y, x माइनस y इज इक्वल टू 1, फिर रख दो 1, -2 कॉमा माइनस टू वाई 2 टाइम्स एक्स प्लस वन, दोनों को सॉल्व करो, ऑब्वियसली जो सिमेट्री में है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आएगा एक्स एक्सिस पे ही आएगा और पीछे ही आएगा, इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो, ये तीनों नहीं हो सकते, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आंसर -1, 0 अगर प्रॉपर डायग्राम बना रहे हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पीछे ही जाएगा और सिमेट्री से, और ये सारे ही देख रहे हो या तो एक्स जीरो है या वाई जीरो, तो देख के भी टिक कर सकते थे, लेकिन फिर भी बेटर रहेगा पूरा सॉल्व कर लो।
ठीक है भाई, क्लियर, आगे बढ़े। हाँ भाई हो गया इतना सबका, आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस, ज्वाइनिंग द फोकस टू अ मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, पैराबोला हमको पता है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस, फोकस ऑब्वियसली फोकस किसका होगा, पैराबोला का, और एक पॉइंट मूव कर रहा है पैराबोला पे, और तुम्हें पता है जो भी पॉइंट मूव करता है पैराबोला पे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या, 80² / 2 80 लेते हैं, और स्केम स्कोप मान लेते हैं, चलो ठीक है, एमी ये मूविंग पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट एल, इसका लोकस बताना है, तो जिस भी पॉइंट का लोकस बताना होता है उसको हम एच कॉमा के लेते हैं। क्या क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन क्लियर है? इज अनदर पैराबोला जिसकी डायरेक्ट्रिक्स बतानी, तो मतलब उसके मिड पॉइंट का पहले लोकस निकालना है, वो पैराबोला आएगा फिर उसकी डायरेक्ट्रिक्स बतानी होगी, तो सीधा सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, एच इज इक्वल टू 80² + a डिवाइड बाई 2, के इज इक्वल टू 280 + 0 डिवाइड बाई 2, ए तो ए है ही, यहाँ से टी निकाल लो, टी आ रहा है के बाई ए, और टी यहाँ पे रख देंगे 2h - a ए के बाय ए का होल स्क्वायर, तो 2h - a ए इधर मल्टीप्लाई कर लो, के स्क्वायर इधर कर लो, और लोकस के क्वेश्चन में h को x रख देते हैं, k को y रख देते हैं, टू ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इतना कम, तो फाइनली ये भी हमारा एक पैराबोला आ रहा है, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स पूछिए, तो 2a कॉमन लो, 2a ही कॉमन लेना पड़ेगा बिकॉज x का कोफिशियंट हमें 1 बनाना होता है, a बाई 2, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में लिख लो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ भाई यहां तक सही है, इसका a क्या आ गया, a आ गया a बाई 2, वर्टेक्स कैसे आता है, दोनों ब्रैकेट को जीरो कर लोगे, वर्टेक्स क्या आएगा, a बाई 2 कॉमा 0, दिस इज द वर्टेक्स a बाई 2 कॉमा 0, ओपनिंग राइट साइड ही होगा, और वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पीछे डायरेक्ट्रिक्स होती है, डिस्टेंस पीछे, और a भी a बाई 2 है, तो a बाई 2 डिस्टेंस पीछे क्या है, y एक्सिस है, a बाई 2 डिस्टेंस पीछे y एक्सिस है, एंड दिस इज x इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, चेक कर लो एवरीवन। हाँ भाई क्वेश्चन देख लो सभी लोग, क्या ये टाइप क्लियर है, एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम पे अगर आता है तो फिर होना चाहिए, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल फॉर्म बाय द टैंजेंट एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बेसिकली मतलब क्या है, अच्छा एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, एल एल डैश इधर दूसरा फोकस होगा, एफ डैश ये क्या हो जाएगा, एल वन डैश, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला ये जा रहा है कि एल पे टेंजेंट ड्रॉ करो, एल डैश पे टेंजेंट ड्रॉ करो,
प्रॉपर, क्योंकि ये डायग्राम बड़ा सिमेट्रिकल है, ध्यान सुनना, नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना, एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो हमें करना ये चाहिए आइडियली कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, एवरीथिंग इज वेरी सिमेट्रिकल, चार से मल्टीप्लाई कर दो कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया, क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब बेसिकली हमें सिर्फ एल निकालना है, और एलिप्स में तुम्हें पता होना चाहिए एल होता है ए कॉमा बी स्क्वायर बाई, और नीचे एल डैश क्या होता है, ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई, क्या एग्री हो एवरीवन? बोलो, ठीक है, जवाब दो। तो हमें E निकालना है, आई थिंक यार अब तुम लोग E निकाल सकते हो, निकाल डालो जरा इससे E, एवरीवन E निकालो, 2/3, A क्या है 3, B क्या है √5, तो बेसिकली सिर्फ हमें L चाहिए, AE आई थिंक 2 हो जाएगा, B स्क्वायर 5, 5/3 पॉइंट मिल गया जो कि एलिप्स पे लाई कर रहा है, तो इस पे टेंजेंट हम कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस कर दें, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस कर दें, टेंजेंट आ जाएगी, क्या एग्री हो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है, एक्स वन क्या है 2, 2x/9, वाई वन क्या है, वाई वन इज 5/3, ओके, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 2x/9, y/3 इज इक्वल टू 1, सो 2x + 3y, चेक करो क्या ये टेंजेंट आ रही है सबकी, हाँ भाई ये टेंजेंट अगर आ रही है तो अब हम लोग ये P और Q पॉइंट निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, क्या ये टेंजेंट सबकी मैच कर रही है, एक्स अपॉन 9/2, वाई अपॉन 3, आ गया ये पॉइंट आ रहा है 9/2, 0, ये आ रहा है 0, 3, ठीक। तो सिंपली बस हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर लें, याद रहेगा ना, कई बार लोग एल डैश एल वन एल वन डैश सब निकालते हैं, कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड एज वेल एज वाई एक्सिस, तो सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और सीधा सीधा दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, 4 × 1/2, इसका बेस क्या आ रहा है 9/2, हाइट क्या आ रही थी, हाइट 3 आ रही, चेक कर लो एवरीवन, आई थिंक 27 इज द आंसर, क्या इसका आंसर 27 है, क्लियर है बात एवरीवन? हाँ भाई समझ में आ गया, तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ भी रिपीट होता है तो मेरे ख्याल से इजीली हैंडल कर सकते हो, तो अभी भी टाइम है, आज भी एक बार आज रात में पूरा अच्छे से कॉनिक सेक्शन कवर कर लो, एक टर्न इसको और दे रहे हैं क्योंकि 3 चैप्टर्स थे तो एक टर्न और दे रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास भी, नेक्स्ट रिविजन क्लास भी कॉनिक सेक्शन की होगी, उसके बाद एक क्लास होगी तुम्हारी सेट थ्योरी की, क्योंकि सेट थ्योरी से भी लास्ट ईयर 2-3 क्वेश्चन आ गए थे, काफ़ी अच्छा वेटेज है, फिर फंक्शन, देन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी फिर डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इस तरह से ही प्रिपेयर करते जाओ, इससे बेटर तरीका नहीं मिलेगा, क्लियर है बात सबको एवरीवन? एंड